अगर आप Vivo का V29 ई फोन लेने वाले हो तो ये वीडियो जरूर देखना, और अगर आपके दोस्त या जान पहचान में कोई लेने वाला है तो उसे जरूर शेयर करना, उसका फायदा हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अभी इन्फिनिक्स का एक फ़ोन लॉन्च हुआ, इन्फिनिक्स 030, उसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे Vivo का V29e। प्राइस की बात एंड में करेंगे वीडियो के, पहले स्पेक्स देख लेते हैं, डिस्प्ले से चालू करते हैं। इन्फिनिक्स में 6.7 इंच की एमुलेट कर्व्ड डिस्प्ले सेंट्रल पंचोल के साथ देखने को मिल जाती है, और Vivo में 6.7 इंच एमुलेट कर्व्ड डिस्प्ले सेंट्रल पंचोल के साथ देखने को मिल जाती है। सेम टू सेम है दोनों की डिस्प्ले। अब रैम रोम की बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग वेरिएंट इन्फिनिक्स में, स्टार्टिंग वेरिएंट में 8GB रैम और 256GB रोम देखने को मिलती है, और Vivo में 8GB रैम और 128GB रोम देखने को मिलती है। अब कैमरा की बात कर लेते हैं। कैमरा में इन्फिनिक्स में फ्रंट 50 मेगापिक्सल देखने को मिलता है, और Vivo में भी सेम फ्रंट 50 मेगापिक्सल देखने को मिलता है। बैक कैमरा में इन्फिनिक्स में 108 मेगापिक्सल का कैमरा है मेन, और अल्ट्रा वाइड 13 मेगापिक्सल का OIS के साथ, और Vivo में बैक कैमरा 64 मेगापिक्सल OIS के साथ और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड। अब प्रोसेसर की बात कर लेते हैं। इन्फिनिक्स में Dimensity 8020 प्रोसेसर देखने को मिलता है, और Vivo में वही 20,000 की रेंज में देखने को मिलता है वही प्रोसेसर, Snapdragon 695। बैटरी दोनों में सेम है 5000 mAh, और चार्जिंग इन्फिनिक्स में 68W देखने को मिलता है और Vivo में 44W। अब ब्लूटूथ वर्जन की बात कर लेते हैं। ब्लूटूथ वर्जन इन्फिनिक्स में 5.3 देखने को मिलता है और Vivo में 5.1। अब एट दी एंड प्राइस की बात कर लेते हैं। फीचर इन्फिनिक्स में बहुत ज़्यादा है पर प्राइस कम है। प्राइस इन्फिनिक्स का है 24,000, और Vivo में फीचर बहुत कम है पर प्राइस ज़्यादा है। Vivo का प्राइस है 27,000। अब आप डिसाइड कर लीजिए कौन सा फ़ोन लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।